हेलो एंड वेलकम गाइस, घर का खाना बाइक ज्योति में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सबने हरे मटर की सब्जी के मजे तो बहुत लिए होंगे, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरे मटर की दाल। ये दाल खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बनाने में तो बहुत ही आसान। तो मेरे साथ एंड तक जरूर बनी रहेगा क्योंकि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। मटर की दाल बनाने के लिए यहाँ मैंने सबसे पहले 2 कप मटर ले लिए हैं, ये मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। उसके बाद एक बड़े साइज में प्याज ले लिया है, 2 टमाटर ले लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 लहसुन की कलियां ले ली है, 1 टेबलस्पून जीरा और थोड़ी सी हींग ले ली है। मसालों में मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून नमक लिया है, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला लिया है और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ले लिया है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैंने यहाँ गैस में एक कुकर रख लिया है, इसमें मैं 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल दूंगी। अब तेल गरम हो गया है, हींग जीरा डाल देंगे। जीरा ब्राउन होने के बाद ये प्याज भी डाल देंगे और ये जो अदरक और लहसुन लिए थे उसका मैंने ये पेस्ट बना लिया है, वो भी डाल देंगे ऊपर से। अब इनको अच्छी तरह से एक बार सॉटे कर लेंगे। इनको हमें तब तक चलाना जब तक ये प्याज जो है हल्के हल्के ब्राउन नहीं हो जाते हैं। यहाँ हमारे प्याज ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। इस स्टेज में हम ये सारे मसाले डाल देंगे। हल्दी डाल दिया है, धनिया पाउडर, ये गरम मसाला भी डाल देंगे। अब एक बार अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लेंगे। अब कुछ सेकंड के लिए हम ये कुकर को ढककर रख देंगे लो फ्लेम में, ताकि मसाले प्याज के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। जब तक हमारा ये हो रहा है तब तक हम ये हरे मटर को ग्राइंड कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये मटर को मैंने पीस लिया है, ये मैंने दरदरा पीसा है, बहुत महीन मत पीसिएगा, मटर को दरदरा ही पीसिएगा। अब मैं ये कुकर का ढक्कन खोल दूंगी। हमारे मसाले भी अच्छे तरह से इसमें मिक्स हो गए हैं प्याज में। इस स्टेज पे हम ये ऊपर से मटर डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसी के साथ हम ये कटे हुए टमाटर भी डाल देंगे। टमाटर मैंने ऊपर से इसलिए डाले हैं क्योंकि इसको हमें गलाना नहीं है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। जिस मिक्स में मटर पीसे थे उसी में पानी डाल देंगे। पानी आप इसमें अपना अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अगर आपको पतली दाल पसंद है तो थोड़ा ज्यादा पानी डाल दीजिए और अगर गाढ़ी पसंद है तो थोड़ा कम पानी डालिए। अब लास्ट में हम ये ऊपर से नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वादानुसार ले सकते हैं। इसको एक बार हिला लेंगे, कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम में 1 सीटी आने तक इसे पकाएंगे। जब दूसरी सीटी का प्रेशर बन जाएगा उसके बाद हम बंद करेंगे। अब इसमें 1 सीटी आ चुकी है, दूसरी सीटी का प्रेशर आने तक हमें इसे और पकाना है। अब यहाँ दूसरी सीटी का प्रेशर बन चुका है, इसमें मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब कुकर का प्रेशर खत्म होने के बाद हम इसे खोल लेंगे और सर्व करेंगे। अब ये देखिए, कुकर का ढक्कन खोल लिया है मैंने, दाल बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। इसको हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। अब ये दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है खाने के लिए। ऊपर से हम ये चॉप्ड हरा धनिया डाल देंगे। अब ये दाल रेडी हो चुकी है खाने के लिए। इसको आप रोटी के साथ खाइए, राइस के साथ खाइए, नान के साथ खाइए, जिस मर्जी के साथ आप इसे खा सकते हैं। खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। मुझे कमेंट सेक्शन पर भी जरूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।